आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। आगरा में पुलिस चौकी से चंद कदम की दूरी पर नेशनल हाईवे पर गुंडा टैक्स वसूला जा रहा है। टेम्पो चालक जबरन गाड़ी रुकवाकर 20 से 40 रुपए की वसूली कर रहे हैं। विरोध करने पर टेम्पो चालकों को हड़काने के लिए पुलिस चंद सेकंड में पहुंच जाती है। पूरा मामला मीडिया के कैमरों में कैद हो गया। सदर थाना क्षेत्र की बंधुकटर चौकी से चंद कदम की दूरी पर गुंडा टैक्स वसूला जा रहा था। आगरा में मजदूरी करने से छात्र ने मना किया तो दबंगों ने उसे पीट दिया। छात्र को बचाने आए पिता को भी फावड़े से घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि छात्र सुबह पढ़ने के लिए निकला तो दबंग खेत पर मजदूरी के लिए बुलाने आ गया। पीड़ित ने पढ़ाई का हवाला दिया तो उसे पीटने लगा। रामपुर की शाहबाद तहसील क्षेत्र के ढकोइया घाट पर रामगंगा नदी में कार्तिक पूर्णिमा के दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। सुबह से ही गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं का तांता लग रहा। मीडिया से बात करते हुए तहसीलदार अशोक कुमार ने क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं दी। वहीं प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। रामपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में मकान के अंदर अजला शव मिलने से हड़कंप मच गया। मामले की जानकारी लोगों को दूसरे दिन हुई। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और युवक के अजले शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बताया जा रहा है कि युवक मकान में अकेला रहता था, परिवार हल्द्वानी में रहता है। मृतक के भाई ने युवक को मनबुद्धि बताया। फिलहाल पुलिस जाँच में जुटी है। संत कबीर नगर में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर ईंट पत्थर चले। बताया जा रहा है कि सालों से दो पक्षों के बीच विवाद चला आ रहा है, जिसके चलते खूब हंगामा हुआ। जानकारी मिलने के बाद पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। पूरा मामला महुली थाना क्षेत्र के लखन पार का बताया जा रहा है। उन्नाव में एक बार फिर हिंदुस्तान गैस पेट्रोलियम में आग लगने का मामला सामने आया। प्लांट के बाहर खड़े टैंकर में आग लगने से हड़कंप मच गया, जिसमें एक शख्स की जलकर मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। फिलहाल घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ग्रेटर नोएडा की बिसरा कोतवाली क्षेत्र स्थित गौर सिटी के पास कार चालक कार को बैक करते समय अचानक कार समेत गहरे नाले में जा घुसा, जिससे कार सवार युवक की जान खतरे में पड़ गई। करीब 35 मिनट तक कार ऐसे ही नाले में लगे लोहे के पाइप पर लटकी रही। मौके पर पहुंचे लोगों ने बमुश्किल युवक को बाहर निकाला, तब जाकर उसकी जान बची। ग्रेटर नोएडा में दो मासूम बच्चों के साथ रेप का प्रयास और छेड़छाड़ की घटना सामने आई। पूरा मामला सूरजपुर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां दो मासूम बच्चियों को बहला फुसलाकर उनके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया। पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। थाना सूरजपुर के एक गाँव में एक सुरक्षा गार्ड के रूप में नौकरी कर रहा था। वो अपने पड़ोस में रहने वाले एक बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया है। उसको हम लोगों ने तत्काल सूचना मिलने के बाद FIR पंजीकृत किया और उसको अरेस्ट करके उसको हम लोग उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई कर रहे हैं। बच्ची को लालच एकदम यही बताया गया है। जो बच्ची है उसके पेरेंट्स आए थे, उनका ही कहना था कि ये पड़ोस में हमारे दो घर छोड़ के रहता है और इसने हमारी बच्ची को अपने घर बुलाया, उसके बाद दुष्कर्म करने का प्रयास किया। जो बातें हैं वो हमारे द्वारा जो महिला कॉन्स्टेबल के द्वारा जो इनिशियली चेक कराया गया उसमें सही पाई गई और हम लोगों ने उसके खिलाफ अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई कर रहे हैं। झांसी जिले के मऊरानीपुर स्थित मोहल्ला नई बस्ती के घर में बदमाशों ने लाखों के जेवर पर हाथ साफ किया। घर वालों की गैर मौजूदगी का फायदा उठाते हुए बदमाश 35 लाख रुपए और 200 ग्राम सोना लेकर फरार हो गए। जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़।